हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सॉलिड वर्क्स में स्क्रू ड्राइवर। तो सॉलिड वर्क्स को ओपन कर लो, तभी तो बनेगा। न्यू फाइल लिया, पार्ट, ओके, स्केच किया, फ्रंट प्लेन पे एक सर्कल बनाया 50 का, एग्जिट किया, एक्सट्रूडेड बॉस, ब्लाइंड रखना, 250 mm का एक्सट्रूड करना, ओके। उसके बाद इस वाले फेस पे स्केच किया, कन्वर्ट में जाओगे, इस फेस को डन। कन्वर्ट करने के बाद 3 पॉइंट आर्क ली, फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, सेकंड पॉइंट डिफाइन किया, देन थर्ड पॉइंट डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद ट्रिम करोगे इसको, ठीक है, और इसको अच्छे से बनाना, तो बेकार से मत बना देना। एग्जिट किया, देन एक्सट्रूडेड कट पूरा थ्रू ऑल। कट बनाने के बाद सर्कुलर पैटर्न पैरामीटर्स डिफाइन करोगे, ये फीचर्स, दस नंबर ऑफ आइटम रहेंगे 8, ओके, ऐसा दिखेगा। फिर इस वाले ऊपर वाले फेस पे स्केच किया, एक सर्कल बनाओ इतना, एग्जिट किया, एक्सट्रूड किया 15, फिलेट में गए 18 का रेडियस, और इसके ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट कर, ये बन गया। अब टॉप प्लेन पे स्केच किया, अब कराना रिवॉल्व कट। तो रिवॉल्व कट करने के लिए सेंटर लाइन बनाना अनिवार्य है, नहीं तो बनेगी नहीं। फिर अब एक लाइन ली, एक स्केच बनाया, स्केच बनाया ऐसा, और एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद रिवॉल्व कट और इस एक्सिस को सिलेक्ट कर, एंड देन ओके, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब फिलेट देते हैं, फिलेट में गए 5 का रेडियस। अब रेडियस देना कहाँ पे है, इन फेसेस के ऊपर। इन फेसेस को सिलेक्ट करोगे सबको, और फेस लेने हैं पूरे, कोई एज वेज सिलेक्ट मत करना। फेस सिलेक्ट हो गए, देन इस फेस को सिलेक्ट कर लो, एंड देन इसको, ये पीछे वाला एज नहीं लेना, हमें पूरे फेस डिफाइन करने हैं। ये देखिए देखिए, जितने भी कट है सब सबको सिलेक्ट किया, इसको इसको और इसको, फिर एज सिलेक्ट हो गया। एज को नहीं करना है आपको, पूरे फेस लेने, एंड देन फिलेट करने के बाद आप इसके शार्प एजेस को दोबारा फिलेट करो, कम रेडियस का। शार्प कहाँ पे है, इधर इधर, ये एजेस इसके शार्प रहेंगे, इनको आप फिलेट कर देना। अच्छा सा लगेगा फिर ये, तो प्रैक्टिकली अगर सोचे तो, नहीं करोगे तो चुभेगा ना फिर हाथ में। ये ऊपर नीचे सबको कर दिया, फेस नहीं करना, एज लेना है। ओके ओके ओके, फिर फेस कर दिया। सब एजेस को लेने के बाद रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज करके देखो, लग रहा है तो थोड़ा रेडियस बढ़ा ही दो, 3 का करके देखो, 4 का, 5 नहीं लग रहा तो 4 का लग रहा है, 4 का हम रेडियस इसको डिफाइन कर देंगे। सारे शार्प एजेस इसके खत्म हो गए। अब ये जो नीचे वाला फेस है, इस वाले फेस पे स्केच करोगे, सर्कल बना दिया एक, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, ठीक है। एक सर्कल डिफाइन किया, एग्जिट किया, फिर एक्सट्रूड बॉस करेंगे हम इसे, एक्सट्रूड बॉस,
रिवर्स डायरेक्शन में इसको मैंने किया 80 mm, और डायरेक्शन टू में मर्ज हटा देना, डायरेक्शन टू में इसको मैंने 10 mm किया और ड्राफ्ट किया डायरेक्शन टू में 10 का। ओके ये हो गया। अब इस आगे वाले फेस पे स्केच किया। अब एज इट इज इस फेस को कन्वर्ट करा दो, एग्जिट कर दो। कन्वर्ट कराने के बाद इसी स्केच को एक्सट्रूड बॉस करा लेंगे जो कन्वर्ट कराया 250 mm का, ठीक है। एक्सट्रूड कराने के बाद इसके राइट प्लेन पे स्केच किया एक रेक्टेंगल 3 पॉइंट कॉर्नर। फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया इधर, सेकंड पॉइंट डिफाइन किया इधर, और थर्ड पॉइंट डिफाइन किया। एग्जिट करने के बाद एक्सट्रूडेड कट मिड प्लेन से, ओके ये एक्सट्रूड कट होगा। अब राइट प्लेन, टॉप प्लेन, टॉप प्लेन इसके बीच में आ रहा है, इसको सिलेक्ट करके मिरर में जाओ। फीचर्स टू मिरर क्या रहेगा, ये कट एक्सट्रूड एंड देन ओके, ये आपका आगे का फेस बन गया है, क्लियर है। अब रहता है कलर करने का काम। अब ऊपर से इधर साइड हिस्ट्री से सिलेक्ट करोगे बॉस कट जो सबसे पहले हमने किए थे। इन सबको सिलेक्ट करने के बाद एडिट अपीयरेंस, रेड कलर दिया, एडवांस एल्यूमिनेशन, नीचे ट्रांसपेरेंसी इसकी इंक्रीज कर दो एंड देन ओके। ट्रांसपेरेंट इसको किया, बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ ब्लैक, सही लगेगा। अब नीचे जो है, नीचे आ जाओ हिस्ट्री को लेके, ये बॉस एक्सट्रूड, इसको कट एंड देन मिरर। सबको सिलेक्ट करने के बाद कलर डिफाइन किया इसको बेसिक्स में जाके वापस, ये एंड देन ओके। कलर डिफाइन हो गया, ठीक है। अब इसके राइट प्लेन पे फिर से स्केच किया और इसको सेंटर लाइन बनाई इधर, टेक्स्ट में गए, इस कर्व में सिलेक्ट किया इसको, टेक्स्ट में लिखा आप जिस भी नाम कंपनी का बनाना चाहते हो वो कंपनी डिफाइन कीजिए, यहाँ पर सेंटर में कर दो, फॉन्ट में करो, यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन लिया, पॉइंट में जाके इसको कर दिया 35 का एंड देन यहाँ से इसको इंक्रीज कर दो थोड़ा सा एंड देन ओके। एग्जिट किया, अभी पहले से ही सिलेक्ट है, इसको ऐसे सिलेक्ट ही रहने दो, ठीक है। सिलेक्ट रहने के बाद आप जाओ कर्व के अंदर, स्प्लिट लाइन का ऑप्शन आता है, स्प्लिट लाइन में गए, सबसे पहले यहाँ प्रोजेक्शन रखना है, प्रोजेक्शन में इस स्केच, पहले स्केच को सिलेक्ट करना है, फिर ये वाला फेस जहाँ पे आप इस स्केच को प्रोजेक्ट कराना चाहते हो। अभी कह रहा है स्केच आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम स्केच को चेक करते हैं। स्केच को एडिट किया तो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, चेक करो, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसके ऊपर जाओगे, स्केच के ऊपर तो ए लिखा आएगा, डबल क्लिक करोगे तभी, तो यहाँ से इसको इंक्रीज करो, इंटरसेक्शन हट जाएगी। अब फॉन्ट ज्यादा बड़ा हो गया, फॉन्ट में जाके इसका फॉन्ट कर दो छोटा एंड देन एग्जिट। ये इंटरसेक्शन आती है, इसको चेक कर लेना बनाने से पहले। स्केच को पहले ही सिलेक्ट कर लिया या बाद में कर लो, स्प्लिट लाइन में गए इस फेस को एंड देन ओके, यहाँ पे इसने इसको स्प्लिट कर दिया। अब इस अंदर इसके सिलेक्ट किया, कलर में गए ब्लैक या जो भी कलर आपको देना, लाल पीला हरा नीला एंड देन ओके। अब शेड में जाके सेकंड नंबर वाला ऑप्शन ऑन कर, अब आपका स्क्रू ड्राइवर बन गया, इसको हाइड कर दो, हिस्ट्री हाइड हो जाती है F9 से, ठीक है। अगली वीडियो में शॉर्ट फॉर्म्स भी बता दूंगा और इसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं वो भी, सॉलिड वर्क्स की, क्लियर है। अब इसके अंदर ये इस बॉडी इससे मर्ज नहीं है, अगर आप इसको हाइड करोगे तो हट जाएगी क्योंकि हमने मर्ज से हटाया था। तो हम क्या करते हैं, हटाने के बाद इसके टॉप प्लेन पे स्केच किया और एक एलिप्स लिया, मैंने यहाँ पे एक एलिप्स डिफाइन किया,
फीचर्स में गए, एक्सट्रूडेड कट किया इसको मिड प्लेन से। ओके अब बीच का प्लेन देखो कौन सा आ रहा है, राइट प्लेन आ रहा है, राइट को सिलेक्ट किया, मिरर में गए, इसको कट को करना एंड देन ये कट हो गया। देन अपने बॉस एक्सट्रूड को जो सबसे पहले किया था उसको शो कर, सारी बॉडी वापस आ जाएगी। ये आपका स्क्रू ड्राइवर बन गया। ओके